हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ के साइंस में हम लोग फिजिक्स देख रहे थे, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो दिख भी रहा होगा इस चैप्टर के नाम से, बल यानी कि फोर्स। अब देखिए, फोर्स होता क्या है? फोर्स से हर कोई जानता है फोर्स को। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, ये दिख रहा है। अब मैं इसे यहाँ है, अब इसे यहाँ ले जाता हूँ, यानी कि इसके पोजिशन को मैं चेंज कर देता हूँ। तो पोजीशन को चेंज करने में कुछ तो कुछ हो रहा है ना, तो या तो इसे पुल कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ या इसे उठा के ले जा रहा हूँ, तो कुछ तो वर्क कर रहा है ना। तो ये जो, यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ, इसे धक्का दे रहा हूँ, तो ये भी एक टाइप का फोर्स है। तो फोर्स एक्चुअल में होता क्या है कि फोर्स कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पोजिशन को या तो वो चेंज कर दे या तो चेंज करने की कोशिश कर दे। वो जो उस, मान लीजिए बोर्ड है और मैं इसे धक्का दे रहा हूँ या फोर्स तो लगा रहा हूँ ना, लेकिन इसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही। तो इस टाइप का जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने का कोशिश करे, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं, यानी कि बल कहते हैं। अब देखिए, बल ये न्यूटन ने इसे बताया था, उससे पहले गैलीलियो ने इसे बताया था, लेकिन न्यूटन का ही नाम आता है क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया। तो अब उन्होंने बोला क्या था कि देखिए, इसमें तीन वो नियम दिए थे उन्होंने, लेकिन उसके पहले आप एक चीज जानिए, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? ये मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग, संवेग होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ये संवेग तभी होगा, यानी कि मोमेंटम तभी जनरेट होगा जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, वो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो जो हमारा मोमेंटम होगा, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कि द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान होगा यानी कि इसका मास होगा। अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो होगा क्या कि जब भी ये मोमेंटम कैलकुलेट करी जाती है, तो ये जो डिफिनीशन से इसके दी जाती है, m इंटू वी, यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास होता है ये संवेग यानी कि मोमेंटम। अब देखिए, उन्होंने इसी से दिया था कि ये हमारे पास मोमेंटम है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैं बोला जैसे कि बल, बल क्या करता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन को चेंज करता है, यानी कि चेंज करने की जो कोशिश कर दे, यानी कि कोई अगर रेस्ट में है तो भी उसे चेंज करने की कोशिश कर सकता है, उसे मूव करा सकता है, यानी कि उसमें कुछ वेलोसिटी दे सकता है वो। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है, तो इन्होंने, न्यूटन ने ये बताया था, मान लीजिए ये याद रखेगा, तो न्यूटन का थर्ड तीन रूल उन्होंने दिया था। पहला जो था हमारे पास, वो हिंदी वाले जानेंगे, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, ये न्यूटन का हमारे पास फर्स्ट लॉ है, ये जड़त्व का नियम। अब ये होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो उन्होंने ये जड़त्व के नियम में यानी फर्स्ट रूल में बोला था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जैसे ये मान लीजिए मार्कर है यहाँ, अब ये यहाँ तब तक ये यहीं रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जैसे मान लीजिए इससे मैं यह छोड़ भी देता हूँ, तो ये हमेशा जानते हैं आप लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, ये अगर यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमारा जो गुरुत्व का फोर्स होता है, वो अपने तरफ उसे खींचता है। तो यही बोला था जड़त्व के नियम में कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगा, और कोई वस्तु अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल न कार्य करे। तो ये हमारे फर्स्ट रूल था, और सेकेंड सबसे ज़्यादा उनका जो फेमस रूल था वही सेकेंड था, जो ये इसमें जो डेरिवेशन आएगा उसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब सेकेंड रूल जो होता है न्यूटन का, वो बस ये वो बोले थे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस पे हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये फोर्स लगाए, ये मान लीजिए फोर्स कुछ टाइम के लिए लगाया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ गया, अब इसका मास तो चेंज होगा नहीं, यहाँ भी हम और यहाँ भी हम।
अब जब ये फोर्स लगा है तो फोर्स क्यों लगाते हैं, इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए या कोशिश कर सकता है। जब ये फोर्स लगा है तो मान लीजिए इसके वेलोसिटी में भी चेंज हो गया, हमारे पास हो गया इसकी वेलोसिटी, पहले जो इनिशियल वेलोसिटी यू था, अब इस समय इसकी वेलोसिटी जब टी सेकेंड के लिए इसे अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई हमारे पास वी। तो देखिए इन्होंने जो बोला कि जो हमारे पास फोर्स होगा, जो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर इसके लिए हम लोग देखें तो इसका जो हम लोग मोमेंटम होगा अगर P1 से डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा M इंटू यू। क्यों? क्योंकि मैं बोला था कि जब भी हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे तो हमारे पास होगा मास इंटू वेलोसिटी। अगर T टाइम के बाद देखें हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास P2 लिखता हूँ, ये जो फाइनल हमारे पास है P2 लिखता हूँ, इसका क्या हो जाएगा M, M तो वही है क्योंकि मास अभी भी वही है, और इसके बाद जो हमारे पास ये होगा इसकी वेलोसिटी V, यानी कि यहाँ मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ भी मास इंटू वेलोसिटी। तो सेकेंड रूल कहता है ये कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर एक फोर्स वर्क किया तो उसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो जो हमारे पास फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मास, यानी कि मास न कहें अगर इसे मोमेंटम के टर्म में लिखा जाए तो उसके चेंज इन मोमेंटम के, तो यानी जो मोमेंटम हमारा चेंज हुआ वो पहले हमारे पास P1 था और लास्ट में इसका P2 है, तो जो हमारे पास मोमेंटम चेंज होता है वही हमारे पास फोर्स होता है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मोमेंटम को यहां लिख सकते हैं हम लोग, ये मोमेंटम को P2 M इंटू वी, उसके बाद ये माइनस M इंटू यू, ये हमारे पास M अगर दोनों में से कॉमन लिया जाए यहां तो M, ये V माइनस U, ये हमारे पास इतना हुआ, ये हमारे पास जो हुआ वो फोर्स हुआ। अभी अगर इसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग यह हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास m, और हमारे पास k हो जाएगा m v माइनस यू। तो अब देखिए ये वाला जो हमारे पास था ना, ये एक टाइम के लिए लगाया गया था, ये t टाइम के लिए लगाया तभी ये चेंज हुआ। तो अगर यहाँ से हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास यहाँ टाइम को जो हम लोग यहाँ लिए हैं वो यूनिट लिए हैं, क्योंकि ये जो टाइम लगाए थे हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो जो हमारे पास ये के आता है इसे फाइंड करने के लिए हम लोग अगर टी को भी यहाँ इंक्लूड करें तो वो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आती है वो हमारे पास आएगा के एम वी माइनस यू डिवाइड बाय टी। अगर हम लोग इसको पूरे के पूरे को इस वाले टर्म को देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ यूनिट टाइम लिया था, अगर ये जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम ले लें तो ये डिवाइड बाय टी यहाँ होगा। अब इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास ये देखिए, जो चैप्टर का नाम हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन के तीन इक्वेशन एक पहले लिखा था मैं, वो बोला था क्या v बराबर यू प्लस ए टी। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हुआ, तो यही होता हमारे पास। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो वी माइनस जो यू हो बाई अगर ए लिख ये बाई सॉरी टी लिख दे तो ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। तो अगर इस डिफिनीशन से हम लोग देखें तो जो हमारे पास एफ आता है वो के एम, और इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए। तो जो हमारे पास सेकेंड लॉ होता है वो न्यूटन का, वो ये होता है एफ इक्वल्स टू के एम और ए। और एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने ये पता लगाया था कि जो इसमें के की वैल्यू आती है, जो यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आती है के, वो हमारे पास हमेशा ही वन होता है, जो के आता है वो वन होता है। तो जो सेकेंड रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफ बराबर एम इंटू ए, ये हमारे पास उन्होंने सेकेंड लॉ में इसको बताया था। तो देखिए थर्ड लॉ कहता है, तीन रूल था, पहला न्यूटन का जो बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गतिमान हो तो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और सेकेंड जो रूल था हमारे पास लॉ था एफ बराबर एम ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। थर्ड लॉ कहता है वो ये भी सिंपल है, जैसे आप लोगों ने कोई स्प्रिंग देखा होगा, ये बना रखा है ऐसा स्प्रिंग, अब मान लीजिए स्प्रिंग को आप अपने तरफ खींचते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसे ही आप स्प्रिंग को अपने तरफ खींचते हैं ना, वो स्प्रिंग भी आपको अपने तरफ खींचता होगा। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप ये मान लीजिए बॉडी है, अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं एफ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी आपको आपके विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो भी इक्वल अमाउंट का। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग ही आप इसे खींच रहे हैं एफ फोर्स से अपने तरफ, तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग होगा ना वो भी आपको ये अपने तरफ एफ फोर्स से खींचेगा, यानी कि ये जो हमारे पास रूल होता है इसका नाम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिया
प्रतिक्रिया का नियम, यह ठहला होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बस सिंपल है, जितना आप फोर्स किसी चीज पे लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उसके विपरीत डायरेक्शन में लगाते हैं। तो जो हमारे पास न्यूटन का 3 लॉ था वो खत्म हुआ यहाँ पे। हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।